है विश्व हिंदू परिषद के तेज तर्रार नेता प्रवीण तोगड़िया ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि राजस्थान और गुजरात पुलिस मिलकर उनका इनकाउंटर करना चाहती थी, इसलिए सोमवार को लापता हो गए थे। पर प्रवीण तोगड़िया के इन दावों की पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जो नई जानकारी आ रही है उससे ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रवीण तोगड़िया ने खुद ही सारा ड्रामा रचा था। क्या महज ड्रामा था तोगड़िया का ताजा स्टेप? आखिर ड्रामे के पीछे छिपा है कौन सा राज? क्या वीएचपी ने गुजरात में बीजेपी के खिलाफ किया काम? क्या आरएसएस और वीएचपी के बीच जारी है अंदरूनी संघर्ष? सवालों की ये बौछार यूं ही नहीं हो रही है स्वयंभू हिंदू हृदय सम्राट पर। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के कथित झूठ को बेनकाब करती इन तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइए। इस धुंधली सी तस्वीर में ही बहुत कुछ साफ हो जाएगा। बताया जा रहा है कि तस्वीर तोगड़िया के करीबी घनश्याम चरणदास के बंगले की है। बंगले के अंदर एक शख्स दाखिल हो रहा है, उसके साथ सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए एक शख्स है। बताया जा रहा है कि धुंधली तस्वीर प्रवीण तोगड़िया की है, यानी अहमदाबाद के पालदी इलाके में वीएचपी दफ्तर से निकलने के बाद तोगड़िया सीधे घनश्याम के घर गए, यही दावा पुलिस ने भी किया है। और वो इनके साथ जो दाढ़ी वाला इंसान था वो धीरू भाई कपूरिया करके था, दोनों साथ में गए थे, रिक्शाओं में बैठ के गए थे, थलतेज गए थे। जिनके घर गए थे इनका नाम घनश्याम भाई नानालाल चरणदास करके, इनके घर पे वो रुके थे। जबकि मंगलवार को रोते हुए मीडिया के सामने अवतरित हुए प्रवीण तोगड़िया ने कैमरों के चमकते फ्लैश के बीच दावा किया था कि वो दफ्तर से ऑटो में निकले और बेहोश होकर सीधे अस्पताल पहुंच गए। जबकि पुलिस की थ्योरी और सीसीटीवी में कैद तस्वीर प्रवीण तोगड़िया के दावे को ध्वस्त कर रही है। पुलिस का दावा तो यहाँ तक है कि घनश्याम चरणदास ने प्रवीण तोगड़िया को सीधे अपने घर से अस्पताल तक भेजने का इंतजाम किया। आप भी सुनिए कि कैसे घनश्याम हंसते हंसते दावा कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ये सारा ड्रामा किया गया। हमारो 3:30 आज सवाल मारो पर सरकार हमें मांड मोको तो कई खरकू वातावरण बने लो ना तुमने कहो हमें बोला तू नहीं जोवा तू नहीं तुम विचार तो करो। सोमवार से मंगलवार तक अहमदाबाद में चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच की वजह दक्षिणपंथी संगठन के अंदर संघर्ष बताया जा रहा है। बताया जाता है कि तोगड़िया और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने गुजरात के विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया, यही वजह है कि बीजेपी की जीत का आंकड़ा 115 से घटकर 99 पर पहुंच गया। गुजरात चुनाव के बाद आरएसएस और वीएचपी के बीच खटास बढ़ती चली गई। बताया जा रहा है कि संघ और बीजेपी के विरोध के बावजूद भी प्रवीण तोगड़िया वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, जिससे नाराजगी और बढ़ गई। हालांकि बीजेपी के नेता तो यहां तक भी कहते हैं कि हार्दिक पटेल के सिर पर डॉक्टर तोगड़िया का ही हाथ है। पाटीदार आंदोलन की आग में तोगड़िया ने घी डालने की कोशिश की। प्रवीण तोगड़िया की सरपरस्ती में आगे बढ़ने वाले हार्दिक पटेल भी अस्पताल पहुंचने वालों में एक थी। ऐसे में सवाल लाजमी है कि यह सब तथाकथित ड्रामा पहले से फिक्स्ड था। हालांकि प्रवीण तोगड़िया बार बार दोहरा रहे हैं कि उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच साजिश रच रही है। मैं अकेला ऑटो रिक्शा में निकला और 120 से आगे गया, चक्कर आने लगा, पसीना आने लगा, ध्यान में आया कि गड़बड़ है। मैंने कहा कि बापूनगर, मैंने एयरपोर्ट जाने का कहा था, मैंने कहा कि बापूनगर लेकर धनवंतरी हॉस्पिटल पहुंचाओ। हालांकि पुलिस फिलहाल प्रवीण तोगड़िया मिसिंग मिस्ट्री की पूरी तहकीकात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।